राजेश सर, शुरुआत में आपसे करूंगा। ये तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ युद्ध लड़ा जा रहा है और एक तरफ इंफॉर्मेशन का युद्ध लड़ा जा रहा है, ये तस्वीरें कितनी परेशान करती है? चौथा दिन है और इस जंग का आपको भविष्य क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि केवल 25-30 किलोमीटर रूसी फौज दूर है और अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। ये नॉर्मल जो जंग में, जैसे पहले टाइम में क्या होता था, एक्चुअल में जो फाइटिंग होती थी उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर होता था। पर आजकल क्या है, जो साधन बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आप साथ साथ में देखेंगे कि जो इसका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा हो गया है हर जंग का। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की वजह से आप जो हैं, जो आपका परसेप्शन है, जो आप इंप्रेशन है, ओपिनियन है, वहाँ पर जो है फैलाना चाहते हैं पूरे दुनिया के अंदर, और जो आपका जो आसपास जो आपका नेबरहुड है, और प्लस जिससे आप वो कर रहे हैं लड़ाई, तो जाहिर है कि दोनों के दोनों देश, यूक्रेन और साथ में आपके रशिया, दोनों के दोनों चाहेंगे कि भी ओपिनियन जो है उनके फेवर में आए और वो लोग जो है और जो पब्लिक है वो इसी हिसाब से रहे। जी यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि खबर यह भी आई और रूस ने भी कहा कि देखिए जिस वक्त उनके एयरक्राफ्ट पर हमला किया जा रहा था उस वक्त अमेरिकी फाइटर प्लेन जो है वो भी वहां घूम रहे थे, कुछ फ्यूल देने के लिए आए थे, कुछ आए थे जासूसी करने के लिए। ऐसे में अब रूस चारों तरफ से घेराबंदी करने वाला है, कितनी अहम ये लड़ाई हो जाती है अगर हवाई मायनों में देखी जाए, और आप क्योंकि ग्रुप कैप्टन है बेहतर समझते हैं दोनों फौजों को, कितना अंतर है यूक्रेन और रूस की ताकत में, और अगर अमेरिका या बाकी देश सहयोग करते हैं तो क्या इस लड़ाई का कोई बदल सकता है, क्या वो सहयोग करेंगे? आप बेहतर समझा सकते हैं। जी हां शुभांकर, युद्ध का चौथा दिन है और आज सुबह तक एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, वो ये है कि रूस की एयरफोर्स अब यूक्रेन के आसमान पर टोटल एयर सुपीरियरिटी हासिल कर चुकी है। यूक्रेन की एयरफोर्स जो है ऐसे भी रूस की एयरफोर्स से 1/10 थी संख्या में, लेकिन अब उनका जो इफेक्टिवनेस है वो प्राय खत्म हो गया है। यूक्रेन की जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस प्रणाली थी उसको भी रूस ने तकरीबन 80% डिग्रेड कर दिया है, ध्वंस कर दिया है। इसीलिए अब यूक्रेन की जो सिचुएशन ग्राउंड में और हवा में बहुत क्रिटिकल है। जहां तक वेस्टर्न पावर्स, नेटो या यूरोपियन यूनियन के अलग अलग सदस्य हैं उनकी एयरफोर्सेस का ताल्लुक है, अभी तक सब वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि इस युद्ध में वह कोई डायरेक्ट भागीदारी नहीं करना चाहते। हां वेस्टर्न पावर्स, यूके, यूएस अपनी जो इंटेलिजेंस की उनकी एयरक्राफ्ट है, उनकी जो रेकनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं, उनको जो रोमानिया, तो क्या जो ये इंटेलिजेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये काफी होगी यूक्रेन जैसे देश के लिए, रूस जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वेस्टर्न पावर्स जो हैं उनकी ये क्षमता है कि वो इन इंटेलिजेंस के थ्रू, रेकनेसेंस एयर फ्लाइट के थ्रू ये जज कर सकते हैं कि रूस की सेना कहां कहां पर डिप्लॉयड हो गई है, रूस की एयरफोर्स क्या कर रही है। लेकिन अगर उनको ये भी पता लग जाए कि रूस की सेना का ऑर्बिट प्लान क्या है, रूस की एयरफोर्स कहां कहां एक्टिवेटेड है, इसके पता होने के बावजूद जब तक वेस्टर्न पावर्स अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारते और जब तक वेस्टर्न पावर्स, नेटो पावर्स अपनी एयरफोर्स को रशियन एयरफोर्स के खिलाफ नहीं उतारते, तब तक मेरे ख्याल से एज ए मिलिट्री पर्सन इस युद्ध का सिर्फ एक ही परिणाम निकलेगा, डेविड वर्सेस गोलियत का युद्ध है। देखिए ऐसा तो बहुत कॉमन होता है कि बड़े और छोटे देशों में युद्ध होता है, यहां सबने उम्मीद की थी कि शायद नेटो देश पहले या दूसरे दिन आ जाएंगे यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए मिलिट्री फौजे और अपनी फौजों को भेजकर, लेकिन नेटो चार्टर में लिखा हुआ है कि नेटो देश आपस में ही एक दूसरे को मदद कर सकते हैं अगर किसी बाहरी शक्ति ने नेटो के किसी मेंबर कंट्री को हमला किया। इस केस में क्या हो रहा है कि यूक्रेन पिछले काफी सालों से कोशिश कर रहा था कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, लेकिन यूक्रेन की बदकिस्मती
वो आज तक नेटो का मेंबर नहीं बन सका।